इसे व्यास पूर्णिमा भी कागे अठारह पुराण अठादश पुराणों को लिखने वाले उपनिषदों को लिखने वाले सार को बताने वाले इतिहास को बताने वाले महर्षि व्यास जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ सिद्धाश्रम के सारे योगियों को भी प्रणाम करता हुआ दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सदगुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ परम पुज सदगुरु स्वामी निखिलेश राय जी एवं हमारे गुरु परिवार परम पुज सदगुरुदेव परम पुज्य माताजी परमपुज गुरुपुत्र गुरुदेव समस्त सिद्धाश्रम के योगियों सहित सिद्धाश्रम परिवार सारे परिवार को प्रणाम करता हूँ आज का यह गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्यों के लिए विशेष कहलाया जाता है विशेष पर्व कहलाया जाता है उत्सव कहलाया जाता है जो शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से नहीं मिला कहते हैं कि वह वर्ष जो नहीं मिला वह वर्ष उसके लिए अभागी है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु चरणों में आकर केवल अगर आप प्रणाम भी करके जाते हैं तो उसकी श्रेष्ठता बहुत शास्त्रों में बहुत कहलाई गई है आज जो गुरु जो शिष्य गुरुचरणों में पहुंचता है कहते हैं कि गुरु उसको पूर्णता प्रदान करता है अपनी सारी विद्याएं, अपना सारा ज्ञान अपनी सारी शक्ति अपने शिष्यों पर लुटा देता है क्योंकि वो उसका उत्सव है शिष्य उस उत्सव के साथ आते हैं कि हमारे गुरुचरणों में हम पहुंचे, हमारे गुरुचरणों में गुरुचरणों का दर्शन ले लें और एक विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करें जो हमने आज तक प्राप्त नहीं की कहा जाता है कि हम इस गुरु पूर्णिमा दिन की एक छोटी सी महत्ता है आज गुरु जी का कहना मानकर गुरु जी के सानिध्य में बैठकर कोई भी साधना की जाए जिसे हम गुरु सानिध्य साधना कहो या गुरु समीप से साधना कहो गुरु की हृदय स्थापना की साधना कहो या गुरु का रक्त कर्ण में स्थापना करने का विधान कहो कोई भी हो जो गुरु से आज लेते हैं और अपने गुरु जी में मन मस्तिष्क में ज्ञान में सहस्त्रार में गुरु जी को स्थापना करते हैं गुरु जी को स्थापन कर लेते हैं तो हमारे जीवन का भाग्य जरूर बदलता ही है गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है शिष्य को गुरु सब कुछ प्रदान करना चाहता है लेकिन शिष्य में लेने की क्षमता हो अगर आपका पात्र खुला है तो गुरु उसमें अमृत उंडेल सकता है दूध दे सकता है आपका पात्र यह शुद्ध नहीं वो दूध भी डाला तो दूध फट जाएगा हमें ये ये देखना है कि हमारा पात्र कितना हम गुरु जी के सामने कैसे आए नंगे आए हैं हमारे पास कुछ नहीं है गुरु जी हमारे पास ना अहंकार है ना पैसा है ना धन दौलत बीवी सुंदर है ना घर है बंगला है इस सभी को छोड़कर आप एक बार निश्चित इस रूप से गुरु के सामने आ जाओ कि गुरु जी ये खाली पात्र आपके सामने आए इसे ज्ञान से भरो या मान से भरो या धनवान से भरो या तो आपके ज्ञान किसी भी शान से भरो भरो लेकिन यह पात्र खाली होकर और आपके दिल में जब तक शंकाएं हैं जब तक शंकाएं हैं कि मेरा गुरु जी मैं इतने दिन आया साधना नहीं करता रहा सुबह से गुरु मंत्र जब कर नहीं मिला गुरु जी आपके चरण नहीं छुया गुरु जी को तुम देख रहे हो ना गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु जी की आज्ञा पालन कर रहे हो चरण छूने से भी बहुत दूर की बात है चरण छूने से भी श्रेष्ठ है आप आज के दिन की श्रेष्ठता आज के दिन अगर गुरु जी कहे और हम कोई साधना श्रेष्ठ साधना संपन्न करें गुरु जी कहने पर तो वह साधना गुरु सानिध्य साधना समीपस्थ साधना कहलाई जा, कह जाती है आज गुरु जी की आज्ञा का पालन करना गुरु जी को अपने पास देखना यह श्रेष्ठता कहा गया है एक ऐसा ही एक व्यास महर्षि ने एक उदंत एक छोटी सी पौराणिक कथा बताई थी एक चोर उचक का था बहुत चोरी वगैरह करता था लूटपाट सब करता था उसने लूटपाट करके एक दिन जा रहा था तो क्या हुआ <coughs> वो वेश्या के घर को जाना था एक राजा के घर से माला माला सोने की माल्या चुराई और अपने वेश्या के घर को जाना था तो वेश्या के घर में इतने जोर से भाग रहा था कि कोई चोर पकड़ना ले वेश्या को दे दूं मैं ये माला दे दूं सोने की माला वो खुश हो जाएगी मुझे खुश करेगी इस उद्देश्य से वो जा रहा था भागते हुए लेकिन जाते जाते अंधा होने के कारण जोर से गिर पड़ा और मार लगा सर को मार लगा सर से खून बह रहा है अब वो समझा कि मैं वहाँ तक नहीं जा सकता मेरी ये मारा तो वेदशा तक तो पहुँचना ही है कैसा भी किसी भी तरह वेश्या तक पहुँचना ही है इसे कैसा करना चाहिए देखा कि बारह बा, बाजों में मंदिर है तो एक ब्राह्मण वहाँ पूजा कर रहा था ब्राह्मण से पूछा कि भुजे भाई मुझे वहाँ तक ले जाऊँ तो उन्होंने कहा सब शिवार्पण है जो आदमी अपना सब कुछ शिवार्पण करता है वो जिसको चाहता है उस तक शिवजी पहुँचा देते हैं शिव जी को अर्पण किया हर चीज़ उसकी इच्छा के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है अब उसको लगा कि ये माला मैं शिव जी को अर्पण कर तो वेश्या तक तो पहुँच जाएगी कैसे भी और उसने वो माला लेकर वेश्या को पहना दी वेश्या को पहना शिव जी को पहना दी शिव जी को गुरु जी ने देखा कि सोने की माला पहना रहा है ये कौन महान भाव है भाई सोने की माला बस आपने कहा है ना कि शिवपरायण मैं जहाँ चाहता हूँ वह पहुँच जाएगी बिल्कुल पहुँच जाएगी शिव जी को पहुँचाई हुई चीज़ जहाँ आप चाहते हो वहाँ पहुँच जाती है और पहुँच जाएगी भी अब वो तो खुश हो गया लेकिन वहाँ उतने में कहते कहते शिव जी के चरणों में उसके प्राण चले गए प्राण चले गए तो वहाँ का पुजारी देखता रहा कि ये क्या है इसके प्राण चले गए इसका सर फूट गया इसने माला अर्पण की इतनी सोने की अब ये किसको देने की क्या नहीं मन मैं तो यूं ही कह दिया कि शिव अर्पण हो गया शिवा को दे दिया अब मैं नहीं ले सकता ना शिव को दे सकता किसको देना है उसने नहीं बताया वो वहीं पड़े रहा उतने में देखता क्या है कि जो बाहर से यमदूत आए और एक तरफ से विष्णुदूत आए दोनों स्वर्ग से दूत आए दोनों ने आए और दोनों आकर खड़े रहे यम के दूतों ने कहा इसको यम यम लोग ले जाना है बहुत पापी है चोरी किया है वेश्याओं के साथ घूमता है धन बिन सब लेता है इसके पास बहुत पापी है ये अब वो तो पापी इस चीज को देखकर तो उसके पाप को तो गिनने लगे कि पाप कैसा है तो उसने विष्णुदूत के पास विष्णुदूत को पूछा गया कि आप किस लिए आए बोले मेरे हमारे को विष्णु ने भेजा है इनका थोड़ा इसका थोड़ा पुण्य तो उसने उन दोनों को लेकर उस चोर को लेकर यमदूत नरक में चले गए नरक में जाते यमु धर्मराज बैठे थे बोले इसके क्या है गुरु जी नर यम धर्मराज को वो सब दूध बोलने लगे गुरु जी इतना पापी है ये कि इसके पाप को गिने तो हम पापी बन जाते इतने पाप है इसके पास तो फिर इसको लाए किस लिए हो तो विष्णुदूत किस लिए बोले इसका पुण्य है एक पुण्य है और उस पुण्य के लिए हम आए तो पहले इसे ही पूछेंगे कि तू पुण्य चाहता है या पाप चाहता है तो उसने धर्मराज ने कहा तेरे को पाँच मिनट का तेरा पुण्य पाँच मिनट में स्वर्ग में रहने के लिए है बाकी सब जीवन तो, तो तुझे नरक में गुजारना है पाँच मिनट तुझे पुण्य देने के लिए हमने तुझे दिया है तो धर्मराज ने पूछा हे चोर तू बता दे कि पाँच मिनट तू स्वर्ग में रहेगा या नर्क में रहेगा बाकी का सब उसने कहा सोचा और कहा कि मैं स्वर्ग में जाता हूँ पाँच मिनट के लिए स्वर्ग में जाता हूँ स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में सब लोग पूछने नारद जी आए उसको देखे भाई तू यहाँ चोर तू यहाँ कैसे किया गया विष्णु भगवान स्वर्ग इंद्र से पूछे तो इंद्र ने कहा कि इसने सोने की माला शिव को अर्पण की इसका पुण्य है और उस पुण्य के लिए इसको पांच मिनट में स्वर्ग में रह रहने दिया जा रहा है पांच मिनट स्वर्ग में इसका वास है तो नारद बहुत खुश हो गए बोले नारद ने कहा तेरी तेरा तो भाग्य प्रभु इतने पाप से आया हूं नारद मैं आज स्वर्ग में आया हूं आप तो सबके महान गुरु कहलाए जाते हैं आप अब एक पुण्य में और एक पुण्य कर दो बोले आप एक मेरे को गुरु मंत्र दे दो कुछ भी आज के दिन और उस दिन थी गुरु पूर्णिमा उसने वो उस नारद महामुनि से गुरु पूर्णिमा का गुरु जी का मंत्र ले लिया और ओम नमो नारायण आय ये भजन करने लगा तो नारद जी ने पूछा तूने क्या पुण्य किया था मुझे पता नहीं यहाँ लेके आए नारद जी ने बाजू में विष्णुदेव को पूछा इसने क्या पुण्य किया है बोले इसने सोने की माला मरते समय शिवजी को अर्पण की है इसलिए उस पुण्य के लिए पांच मिनट के लिए वो आया है तो ये भी सोच गया अच्छा सर पांच मिनट में स्वर्ण की माला देने से इतना पुण्य तो उन्हें वो आ गया नारद महर्षि आप मेरे गुरु है मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ बोले क्या आप ये ऐरावत घोड़ा ले लो ये स्वर्ग का सिंहासन ले लो और दूसरे ब्राह्मण है उसको ले ये कामधेनु ले लो स्वर्ग का एक एक अब्सरा विपसरा सब बांटने लगा लोग पूरा खाली है, पांच हो अकल है क्या मैं अकल अभी आई नारद मामन ने कहा अगर एक माला देने से मैं पांच मिनट स्वर्ग में रह सकता हूँ तो स्वर्ग दान करने से मेरा क्या होगा कहते हैं कि उसने पांच मिनट में सारा का सारा दान दे दिया और गुरु मंत्र लेने के कारण उसकी बुद्धि चलने के कारण वह आ हाँ कहते हैं कि अगले जन्म में अगले जन्म में बलि चक्रवर्ती और इंद्रपद को ही प्राप्त किया ऐसी गुरु पूर्णिमा की श्रेष्ठता है अगर गुरु के आज्ञा से गुरु का छोटा सा भी काम आज के दिन हम करते हैं गुरु जी के आह्वान मानते हैं गुरु जी का समीपस्थ मानते हैं गुरु से अपन श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं गुरु ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से गुरु का मंत्र लेते हैं तो आज के दिन की उतनी श्रेष्ठता नहीं है पहले मैं आपको सभी को अनेक एक बार गुरु पूर्णिमा के गुरु दीक्षा प्रदान करता हूँ गुरु दीक्षा देता हूँ सब लोग हाथ जोड़े मैं जैसा कहता हूँ ऐसा कह बोलो स्वामी स्री, 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 स्द्णु, स्द्णु, प्रियं, प्रियं, श्री सच्चिदानंद सदगुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद, स्वामी मम सदगुरु गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः अपना बायां हाथ हृदय पर रखो राइट हैंड सर पर रखो गुरु, गुरु मंत्र बोल रहा हूँ बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय तत्व गुरुभ्यो नमः ओम ह्री मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्री नमः ओम गुरुदेवताय विद्महे पर्रह्माय धीमहि तन्नो सगुर प्रचोदयात् सभी लोग एक माला गुरु मंत्र जप करो एक माला